बचपन आविष्कार का समय होता है। प्रतिक्षण एक नया अनुभव, प्रतिदिन अज्ञात के बारे में एक नई खोज लिए हुए, उम्मीदों और खतरों से भरपूर यही समय है जीवन और जीने के बारे में सीखने समझने का। पर जीवन के बारे में सीखना आज के बच्चों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा कठिन है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि ऐसे में बच्चों के लिए उलझनों में पड़ जाना बहुत आसान है। अक्सर वे अपने जीवन की दिशा भी चूक सकते हैं। परंतु एक ऐसा दिक्सूचक है जिसका उपयोग करना सीखकर बच्चे अपने जीवन में अपना सही मार्ग पा सकते हैं। इस दिक्सूचक को ही विपश्यना ध्यान कहते हैं। विपश्यना का अर्थ है हर बात को वह जैसी हो उसे वैसे देखना, उसे अपने सही स्वरूप में पहचानना। यह भारत की पुरातन ध्यान की विद्या है जिसे करीब 2600 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने खोज निकाला था। आधुनिक काल में म्यांमार के सयाजी उबाखिन के भारतीय शिष्य श्री सत्यनारायण गोयनका द्वारा यह विद्या सिखाई जाती है। गोयनका जी के मार्ग निर्देशन में आज विश्व भर में करीब 80 केंद्रों में प्रौढ़ों वयस्कों के लिए विपश्यना के 10 दिवसीय शिविरों का आयोजन हो रहा है। बच्चों के लिए विशेषकर लघु शिविरों का आयोजन होता है। बड़ों की तरह बच्चे भी कुछ आशाएं और उम्मीदें लेकर साधना सीखने के लिए आते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। शिविर के प्रारंभिक दिवस में बच्चे शिविर स्थल पर पहुंचकर अपने अपने कमरों में डेरा डालने के बाद और भोजन से निपट कर वे शिविर पूर्व की सूचनाएं सुनते हैं। Il y a des règles de vie à observer pour deux raisons, pour nous aider à méditer. इनके अंतर्गत उन्हें शिविर स्थल, शिविर कार्यक्रम और अगले दिनों में जिन नियमों का पालन करना होगा उसके बारे में बताया जाता है। उसके तुरंत बाद बच्चे ध्यान कक्ष में प्रवेश करते हैं जहां वे आचार्यों से प्रारंभिक निर्देश प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बच्चे शिविर स्थल पर रहते हुए शील सदाचार पालन करने का व्रत लेते हैं, अर्थात वे वाणी और शरीर से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अपना और दूसरों का नुकसान या मन क्षुब्ध हो, अशांत हो। यह इस विद्या का महत्वपूर्ण अंग है। इससे मन शांत रहता है और अपने भीतर झांकने योग्य बन जाता है। इसके बाद बच्चे आनापान साधना द्वारा, जो कि विपश्यना का प्रथम चरण है, सांस के प्रति सजग रहना सीखते हैं। बच्चों को आंखें बंद रखकर नासिका के द्वारों से भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए सांस के प्रति सजग रहने के लिए कहा जाता है। यह मन को एकाग्र करने और संतुलित बनाने का एक सरल उपाय है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सरल होते हुए भी यह काम कर पाना बड़ा कठिन है। मन बार बार यादों में, ख्यालों में, कल्पनाओं में या कभी कभी निद्रा में खो जाता है। हमारा काम है मन को बार बार सांस पर लाते रहना जिससे यह एक जगह टिकने लगे और एकाग्र हो जाए। जाहिर है कि यह काम चुटकी बजाते ही नहीं हो जाता, इसमें समय लगता है और बार बार अभ्यास करना भी जरूरी है। दिन भर बच्चे व्यस्त रहते हैं। दो बार आधे आधे घंटे की साधना होती है। इसके पश्चात वे छोटे छोटे समूहों में बंटकर अपने परामर्शक से अपने अपने अनुभवों के बारे में बातचीत करते हैं। इस सत्र में प्रश्नोत्तर, शंकाओं का समाधान एवं मार्गदर्शन होता है। Qu'est-ce que ça veut dire, respiration profonde et superficielle? Ça, les...
thought about what they were going to have for breakfast? Who thought it would be very nice still to be back in bed? So the mind has all these tricks. It's like a naughty little monkey, and it's our job when we're meditating to calm this monkey down. आंखें हमेशा बंद रखें. यदि आंखें खोलेंगे तो मन भटक ही जाएगा. भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले हर एक सांस के प्रति सजग रहें. मन बार बार भटकेगा. जब भी मन भटक जाए तो उसे वापस सांस पर ले आए. कोशिश करें कि कोई भी सांस अनजाना अनदेखा न रह जाए. सांस तेज भी हो सकता है, धीमा, गहरा हो या छिछला, भारी हो या हल्का, जैसा भी हो उसे केवल जाने. हमारा काम बस इतना भर ही है. सांस पर मन टिकाने से मन की मिल्कियत हासिल होने लगती है. यह काबू में आने लगता है और भीतर शांति महसूस होती है. यह समय है आराम का, छुट्टी का. शिविर कार्यक्रम में खेल कूद, व्यायाम, सृजनात्मक प्रवृत्तियों और कथा वाचन के सत्र भी होते हैं. He's very friendly and he's very lonely. And the rat said, "We know lots of people he can talk to." So they said, "Come on, follow us." भारत में आयोजित शिविरों में ध्यान पर आधारित कार्टून फिल्म्स का भी कभी कभी समावेश किया जाता है, खासकर छोटी उम्र के बच्चों के लिए. समय बीतते बीतते बच्चे शिविर के कार्यक्रम में रम जाते हैं. बच्चों में कार्यक्रमों के प्रति रुचि जागती है और वे एक दूसरे से परिचित भी होने लगते हैं. वे जो कुछ कर रहे हैं उसका महत्व भी समझने लगते हैं. उन्हें बताया जाता है कि मन में सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी. साधना करते हुए मन में उठने वाले विचार इस सच्चाई को प्रकट करते हैं. जब वे सांस को यानी वर्तमान की सच्चाई को ध्यान पूर्वक जानने में सफल होते हैं, तब नकारात्मक विचार धुंधले पड़ जाते हैं और केवल सकारात्मकता शेष रह जाती है. सांस के प्रति सजगता उनका पक्का दोस्त बन जाती है, जो मुश्किल के समय हमेशा काम आती है. यह विद्या विपश्यना केंद्रों के अलावा विद्यालयों में भी सिखाई जाती है. इस विद्यालय में प्रतिदिन पहली क्लास के पूर्व बच्चे 10 मिनट तक आनापान का अभ्यास करते हैं. पहले पढ़ाई करते समय फोन बज उठे तो मैं उठा लिया करती थी. अब मैंने मन को एकाग्र करना सीख लिया है. सोचती हूँ नहीं, यह काम माँ का है, मुझे पढ़ाई करनी है. सांस पर मन टिकाना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि हम ऐसी चीज पर मन को एकाग्र कर रहे हैं जो शुरू से ही हमारे पास है और जिस पर मन टिकाना आसान है. हाँ, शुरू में बेचैनी होती है, पर समय बीतते बीतते यह काम सहज हो जाता है. एक बार मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली से लड़ बैठी. मैं उस पर चिल्लाने वाली थी, पर सोचा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती. और मैंने अपने सांस पर लगभग एक मिनट ध्यान दिया और सांस स्वाभाविक हो गया. मैं नहीं चिल्लाई. मेरे लिए पढ़ाई के समय में से 10 मिनट निकालकर ध्यान करना बहुत मुश्किल है. मन को एकाग्र करना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा मन भागते रहता है. मैंने सोचा चलो देखें, तो प्रयत्न तो करके देखें, कहते हैं इससे लाभ होता है. और जब मैंने ध्यान किया तब मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मन कोरा था. उस 10 मिनट के लिए मैं शांत थी. हाँ, इससे मुझे मदद मिली. युवा पीढ़ी को अधिकतर जो दिया जाता है वह भौतिकवाद पर आधारित होता है. आनापान ध्यान साधना द्वारा बच्चे एक अलग दृष्टि पाते हैं, अपने भीतर झांक कर देखने की, अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने की, अपने भीतर के भय और आशंकाओं का सामना और समाधान करने की.
अब उनके पास ध्यान का दिक्सूचक है। सांस के प्रति सजग रहकर और फिर बड़े होकर विपश्यना का अगला कदम उठाकर वे एक ऐसा मार्ग पाते हैं जो उन्हें अपने और औरों के लिए सुख और शांति की ओर अग्रसर करता है।